वसुंधरा राजे की अनदेखी से नुकसान किसका, बीजेपी का या खुद वसुंधरा का? राजस्थान में वसुंधरा राजे को खुद की भूमिका से जुड़े सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। वसुंधरा राजे समर्थक नाराज नेताओं को साधना बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। हर सीट पर बागी बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे को खुद की भूमिका से जुड़े सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी सभा से यह संकेत जरूर मिल गया है कि सीएम फेस वसुंधरा राजे नहीं होंगी, लेकिन पार्टी वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी देगी, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि वे राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, राजस्थान में रहकर ही जनता की सेवा करेंगी। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी को वसुंधरा राजे की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। राजस्थान के चुनाव में कर्नाटक वाला खेल हो सकता है। राजस्थान में बीजेपी ने काफी मशक्कत के बाद 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया गया है, बड़े स्तर पर टिकट काट दिए गए हैं। टिकट के दावेदार नाराज नेताओं ने दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी के हर सीट पर बागी मैदान में खड़े हो गए हैं। पार्टी को नुकसान हो सकता है, वसुंधरा राजे चुप है। सियासी जानकार वसुंधरा राजे की चुप्पी टूटने का इंतजार कर रहे हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी को जोर का झटका दे सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे सही वक्त का इंतजार कर रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे की भूमिका तय करने में बीजेपी ने देरी कर दी है। चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हर सीट पर वसुंधरा राजे समर्थकों ने ताल ठोक रखी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के बिना सत्ता में वापसी बीजेपी के लिए भी शायद संभव नहीं। वसुंधरा राजे चुप रहकर पार्टी आलाकमान को संदेश देना चाहती है। राजस्थान में बीजेपी की एक नंबर नेता वसुंधरा राजे ही है। वसुंधरा राजे के कद के सामने बीजेपी के नेता नहीं टिक पा रहे हैं, इसके बावजूद पार्टी ने उनकी अनदेखी करनी शुरू कर रखी है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को दूसरी लिस्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं के टिकट कटेंगे। चर्चा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक नामी और पूर्व मंत्री यूनुस खान को टिकट नहीं मिलेगा। दोनों ही नेता हाल ही में वसुंधरा राजे से उनके आवास पर भी मिले। टिकट नहीं मिलने की स्थिति में माना जा रहा है कि अशोक परनामी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि यूनुस खान के बारे में कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।